क्या रिस्पॉन्स अब तक आया, एंड हर मंडे का तो आपके फैंस को वेट रह गए रहेगा. सो मुझे लगता है कि जो मेरा जो कैरेक्टर है वो बहुत ही फनी है, बहुत ही जिसे कहते हैं फनी. आप जिंदगी में कभी कभार आपको कोई ऐसा दोस्त होता है यू नो कि उससे मिलके बहुत मज़ा आता है कि यार चलो इससे मिलते हैं, या कहीं पे भी जा रहे हैं तीन चार लोग जा रहे हैं तो ऐसा होता है कि यार इसको भी बुला लेते हैं मज़ा आ जाएगा. तो ये जिगर जो है वो कैरेक्टर है कि ये जहाँ पे भी होता है मज़ा आ जाता है, चाहे स्क्रीन पे हो तो मज़ा आता है, और अगर ना हो स्क्रीन पे तो लगता है कि यार जल्दी आए, कब आएगा ये स्क्रीन पे दोबारा, कब इसका सीन आएगा तो हम देखें और यू नो मज़ा आएगा. सो ये वैसा कैरेक्टर है. एंड कुछ भी जो ये करता है ना, ये जान के इसलिए नहीं करता कि वो फ़नी है, वो जो करता है वो फ़नी हो जाता है अपने आप ही. उसकी बॉडी लैंग्वेज और उसकी बात करने का ढंग ही ऐसा है कि वो फ़नी हो जाता है भाई. एंड आई थिंक एवरी मंडे जैसे आपने बोला चार एपिसोड जा रहे हैं, और अभी तो बहुत कुछ होना है, काफ़ी इस कैरेक्टर की लेयर्स भी हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हो रही हैं स्टोरी में. सो ओवरऑल काफ़ी फ़न है और करने में भी बहुत मज़ा आया. स्क्रिप्ट पढ़ता था मैं, डायलॉग पढ़ता था तो मुझे लगता था कि यार ये क्या है यार, मैं पढ़ते पढ़ते हंसता था क्योंकि इट वॉज़ सो फ़नी, और करने में तो और मज़ा आ गया. तो और शुक्र है कि जब कर रहे थे तो तब भी हमें बहुत हंसी आती थी. क्या होता है ना कि जब करते हुए अगर हंसी आ जाए ना तो मतलब कि आपका जो सीन है ना वो अच्छा निकल गया. सो ऐसा लगता है. OTT प्लेटफॉर्म्स को किस तरह से देख रहे हो एज एन एक्टर, क्योंकि हम जब OTT में काम करते हैं एक ही किरदार को इतनी बारीकी से करना पड़ता है और इतना लॉन्ग है कि हर हर मंडे को चार एपिसोड्स करना है, इट्स अ वेरी 24 एपिसोड्स, तो काफ़ी समय लगा रहेगा आपके किरदार को. तो शूट तो पूरी हो गई है, वी रैप्ड अप द शूट फॉर 24 एपिसोड्स. लेकिन हाँ इसका फ़ायदा ये है, लंबे जैसे 24 एपिसोड है उनका फ़ायदा ये है कि हमें अपने कैरेक्टर में घुसने के लिए जो है ना टाइम था. अभी टाइम ऐसे नहीं है कि हमको पहले यू नो प्रेप करने का टाइम मिला, बट वाइल वी वर शूटिंग हम कैरेक्टर में और घुसते रहे. जैसे 24 एपिसोड का शूट है अगर तो 40 दिन तक या 45 दिन तक चला, तो उन दिनों में रोज़ वो चीज़ कर करके ना वो कैरेक्टर बैठ गया अपने अंदर कि चलो यार कुदरती आने लग गया कि अच्छा अब मैं ये नहीं बोलूँगा कि हाँ व्हाट्सअप हे ब्रो हाउ यू डूइंग एंड ऑल दैट, मेरा वो नेचुरली हाँ भाई क्या की हाल चाल है सब चंगा है, तो वो नेचुरली आ ही गया अंदर. तो पंजाबी एक्सेंट वो आ गया करते करते रोज़. तो वो एक फ़ायदा इस चीज़ का ये भी है कि यू नो रोज़ एक चीज़ आप करते रहोगे तो वो बैठ जाती है आपके अंदर. सो मज़ा आया वो करने में काफ़ी. एक चाह रहती है आपकी किरदार को, हाँ मिलने की चाह, राइट फैन बॉय, राइट राइट एक वो हाँ ये रियल लाइफ में किसके फैन बॉय है प्रतीक? मैं कई सारे लोगों का है अब तक नहीं मिल पाया और है कि आई थिंक शाहरुख खान, क्रिस्टियानो रोनाल्डो और अपना इनसे मिलना चाहता हूँ मैं, और सलमान भाई से भी मैं हमेशा, जैसे कि उनसे तो मैं मिलना चाहता ही हमेशा, इनफैक्ट मैं मिल भी चुका हूँ उनसे कई बार बिग बॉस के टाइम पे भी. बट मुझे लगता है कि कुछ लोगों को ना मैं आई लुक अप टू देम, मैं शर्म नहीं आती मुझे ये बोलने में कि यार मैं इनका फ़ैन नहीं हूँ, क्योंकि मैं अब खुद एक्टर बन गया तो मैं नहीं ये बोलने में शर्माऊंगा नहीं कि मैं इनका फ़ैन हूँ, मैं हूँ और उसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है. अगर कोई मेरा भी फ़ैन है या कोई मेरा भी यू नो प्रतीक फैम को सपोर्ट करता है या मुझे सपोर्ट करता है तो उसमें अगर वो कल को मेरे साथ राइवल भी हो जाएंगे तो उसमें शर्माने वाली कोई बात नहीं है मुझे लगता है. और मैं भी इस बात को बहुत प्राउडली बोलता हूँ क्योंकि मैं आई हैव बीन ब्रॉट अप लुकिंग एट देम, मैं उनको देख के ही इंस्पायर होकर मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ यू नो कहीं ना कहीं, कि शाहरुख खान को देख के उनकी जर्नी देख के, सलमान खान को देख के उनकी जर्नी देख के, कि यार ऐसा होता है यार मेहनत करने के बाद इंसान यही ऐसा बन जाता है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो को देखने के बाद. बट या मेहनत करने का नतीजा मुझे दिखता है तो मुझे लगता है कि हाँ यार मैं क्यों ना इनका फ़ैन बनूँ यार, दे वर्क सो हार्ड इन लाइफ टू बी हियर. आपकी जर्नी भी काफ़ी इंस्पायर रहती है जिस तरह OTT पहले बिग बॉस OTT से फेम कमाया, फिर बिग बॉस से एक इतना ज़्यादा फेम कमाया, मुझे भी अभी भी याद है तब हमें अलाउड नहीं था एज अ जर्नलिस्ट एज अ रिपोर्टर हमें अंदर आना अलाउड नहीं था क्योंकि OTT कोविड फेज था, पर मैंने अभी भी देख रहा था कि तब तक भी 5 बजे था सुबह जब आप बाहर आया खा सके साथ, तभी भी रिपोर्टर्स वेट कर रहे थे आपका. उसके बाद नागिन जैसा एक बड़ा किरदार आया, नाउ द दिस OTT, इसी बीच काफ़ी सारे गाने वो सब आते हैं. हाउ डू यू सी OTT के बाद से जो करियर में जो बदलाव आया है, किस तरह से प्रतीक देख रहे हैं अपने करियर को? मुझे लगता है कि मैंने अपनी जी जान लगाई है उसमें. मैं अभी कुछ ऐसा नहीं सोच के मैंने काम किया कि यार इसके बाद तो मुझे ये हो जाएगा मुझे वो हो जाएगा. मुझे ये पता है कि जो मैंने अभी किया है जहाँ पे मैं अभी हूँ, मैंने पूरी जान लगाई है, पूरी मेहनत करी है, फल जो है देने वाला ऊपर वाला है, वो जो मर्ज़ी फल दे हम एक्सेप्ट कर लेंगे. बट ऐसा है कि मैं ये कह सकता हूँ कि मैंने आज तक जो भी काम किया मैंने उसमें पूरी मेहनत करी है, दिल से काम किया. ऐसा नहीं कि यार चल कोई नहीं यार ठीक है अभी थोड़ी देर बात करते हैं, ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, चल आराम से बैठ जाए यार थोड़ा आराम कर लेते हैं, ऐसा मैंने आराम का तो मेरा है ही नहीं, माइंडसेट ही नहीं आराम वाला कि आराम करते हैं यार, वो है ही नहीं मेरे दिमाग में. सो जहाँ पे आप अपना 100% दे देते हो ना, उसके बाद फिर उसका रिजल्ट या उसका परिणाम जो भी हो वो फिर आप उसके बारे में सोचते ही नहीं, ऐसा होता है. प्रतीक बीच में जब नागिन आपने किया था, मुझे
याद है जर्नलिस्ट का एक किरदार आपने निभाया था, काफी अच्छा किरदार था, मैं देखता था थोड़े बहुत क्लिप्स आपके लिए ही देखता था। थैंक यू भाई। बताइए टेलीविजन को, हाउ डू यू सी टेलीविजन, क्या आप और टेलीविजन में अपने आप को एक्सप्लोर करना चाहते हो इन फ्यूचर? यार व्हाई नॉट, ऐसी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि मुझे टेलीविजन नहीं करना, टेलीविजन से ही सब आगे बढ़ते हैं। इनफैक्ट जो हमारी फिल्में, जो ब्लॉकबस्टर फिल्में लगती हैं, वो भी एक पॉइंट के बाद थिएटर से हटके टेलीविजन पे आनी शुरू हो जाती हैं। तो टेलीविजन सब देखते हैं, ओटीटी के प्लेटफॉर्म भी अगर आप देखो तो टेलीविजन की स्क्रीन पे ही चलते हैं लोगों के घरों में। अगर मेरे घर में टेलीविजन की स्क्रीन है, मैं नेटफ्लिक्स भी उस पर देख रहा हूँ, मैं अमेजन भी उस पर देख रहा हूँ, मैं जियो भी उस पर देख रहा हूँ, मैं सब टेलीविजन पे ही देख रहा हूँ, मैं स्टार प्लस भी उस पर देख रहा हूँ, मैं कलर्स भी उस पर देख रहा हूँ। सलमान भाई जितने भी बड़े सुपरस्टार हैं आप उनको यू नो वो बिग बॉस में टेलीविजन पे ही होस्ट कर रहे हैं। सो टेलीविजन अभी कितने भी अवार्ड शोज हो, फिल्म फेयर, उमंग, सारे बड़े बड़े टीवी फिल्म स्टार्स, टीवी स्टार्स सब टेलीविजन पे ही आते हैं। सो टेलीविजन एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जो कि हर चीज़ को अपने अंदर समा लेता है। एंड कितनी भी बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म हो हॉलीवुड की या बॉलीवुड की, अल्टीमेटली स्टार मूवी, स्टार गोल्ड, इन सब पे आती ही हैं, जी सिनेमा, ये सब टेलीविजन के चैनल्स हैं। सो वो एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और वो रहेगा। आप कुछ भी कर लो, आप जितना मर्जी फ़ोन पे देख लो, अल्टीमेटली फ़ोन पे भी इंसान क्या देख रहा है, अगर बिग बॉस भी देख रहा है कलर्स वाला, तो वो टेलीविजन का शो है। Correct. सब टेलीविजन, ये सब मिक्स्ड है, ऐसा कुछ नहीं है कि टेलीविजन अलग है, ओटीटी अलग है, फिल्में अलग है, ये सब एक ही प्लेटफॉर्म है जिसको अलग अलग कर दिया है लोगों ने अपने दिमाग से, ऐसा कुछ है नहीं। वैसे मुझे लगता है सब सेम है। शाहरुख खान ने फौजी सीरियल से शुरू किया था, वो टेलीविजन पे था, दूरदर्शन पे, उसके बाद करते गए, सर्कस आया, फिर ये आया, फिर वो आया, तो फिल्में भी हुई, ऐसी बात नहीं है, बट वो टेलीविजन तो है ही एक चीज जो कि हमेशा गोल्डन रहेगा हमेशा। ये सीरीज में भी शाहरुख खान के फैन हो जिस तरह? मैं तो शाहरुख खान का फैन हुई, बट इस सीरीज में क्योंकि ये फिक्शन है तो मैं मैडी का फैन बना हूँ, मैडी जो कैरेक्टर है, और शाहरुख खान का फैन तो हुई, और मैंने कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत इंस्पिरेशन उनकी, जैसे उनकी फिल्म आई थी फैन, और उनकी एक फिल्म थी रब ने बना दी जोड़ी, तो जब मैंने कैरेक्टर पढ़ा तो मुझे यू नो सडनली एकदम से इमीडिएटली दिमाग में वही कैरेक्टर आए कि यार ये ऐसा जैसे उन्होंने किया था ना, दिल्ली बॉय, या दिल्ली के बॉय, फैन में भी वो दिल्ली से थे, रब ने बना दी जोड़ी में भी आई थिंक वो कुछ पंजाबी थोड़ा अमृतसर में आई थिंक या कहीं पे थे। सो एक वो वाइब थी कि हाँ। कोई ऐसी बात जो इंस्पायर करती हो शाहरुख खान सर से? आई थिंक द फैक्ट कि वो रातों को जागते हैं, मेहनत करते हैं, वो ये भी बोलते हैं कि मैं सुबह शायद जल्दी ना आऊँ बट मैं रात को लेट तक काम करूँगा, और वो मेहनत करते हैं, ही इज़ अ वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन, और वो मेहनत का फल ही है, नहीं तो अभी तक इतना टाइम तक कोई इंसान सस्टेन नहीं रह सकता इस इंडस्ट्री में यू नो, और इतने अच्छे लेवल पे। सो आई थिंक ही इज़ अ वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन, और वो दिखता है कि यार वो दिखता है उनके सामने या उनके ऑरा से भी पता लगता है कि अच्छा वो कितना मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे हैं और अभी तक कर रहे हैं। और द फैक्ट कि वो दिल्ली से आए हैं, कुछ भी नहीं था उनके पास, उन्होंने उनका मैंने एक रिसेंटली इंटरव्यू पढ़ा कि उसमें वो कह रहे थे कि मैं तो ऐसे ही बॉम्बे आ गया था कि मेरी लाइक उनकी मदर जो थी वो पास, शी पास दुबे, तो वो कहते हैं कि मेरे को तो उस चीज़ से दूर भागना था, तो मैं बॉम्बे आ गया, 1.5 साल के लिए आया था कि अपने आप को समय दूंगा, वापस चल जाऊंगा, और वो 1.5 साल कभी हुए नहीं, उसके बाद मैं तब से बॉम्बे में ही हूँ। सो मैंने कहा यार कि मेहनत ही करिए यार, तभी तो इंस्पायरिंग जर्नी है। प्रदीप मैंने एक चीज़ देखी इसमें, ये जो किरदार है इस पर काफ़ी आपने खुद फिजिकली काफ़ी मेहनत की है, आपकी बॉडी एकदम शेड बॉडी लग रही है, मैंने रिप बॉडी लग रही है, कुछ अगर आप अपने टिप्स, क्या था डाइट प्लान, कैसा था, कितनी मेहनत करनी, फिजिकली वर्कआउट कितना करना पड़ रहा था? देखो वर्कआउट करने का टाइम जितना मिलता था हम हफ्ते में 3 बार तो करते थे भाई, 3 बार हफ्ते में वर्कआउट करता था कि 2-2 घंटे का ईच वर्कआउट कर रहा हूँ, बट मैं कोशिश करता था कि मैं खाऊं 0 carbs, नो राइस, नो रोटी, मैं सिर्फ प्रोटीन डाइट पे था, क्योंकि मैं वीगन हूँ तो मेरे पास कोई ज़्यादा ऑप्शन थे नहीं, लेकिन मैं पनीर खा रहा था क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं था, तो सिर्फ पनीर खाता था मैं पूरे दिन में, पनीर खा लिया, ड्राई फ्रूट्स खा लिए और कुछ नहीं। गो थ्रू डाइट, मतलब यही था कि दिन में 2 मील्स खानी है सिर्फ मैक्सिमम, और अपना जितना फास्टिंग हो पाए, 12 घंटे की फास्टिंग, कभी 15 घंटे की फास्टिंग, कभी कभार 24 घंटे की भी फास्टिंग करी, पानी को भी स्किप करना पड़ा कभी कभार, क्योंकि मुझे लगा कि यार अगर मैंने इतनी मेहनत करी है तो मैं थोड़ा और मेहनत करके अपनी बॉडी को अगर हाई पोटेंशियल पे लेके जा सकता हूँ तो क्यों नहीं। मैं ये नहीं बोलूँगा कि वो हेल्दी है और किसी को करना चाहिए, इट्स कम्प्लीटली अनहेल्दी, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेडिकल सुपरविजन ज़रूरी है इसके लिए, बट एज एन एक्टर हमें कई सारी चीज़ें ऐसी करनी पड़ती हैं जो कि हेल्दी नहीं होती हैं, बट वही है, करना पड़ता है, अब क्या कर सकते हैं। कलर्स की जो टाइम टेबल की बात करूँ, बिग बॉस अब खत्म होने वाला है, बिग बॉस के बाद तुरंत 1-2 हफ्ते या 3-4 हफ्ते बाद नागिन आता है, जो यार right. नागिन के लास्ट सीजन आप थे, तो इस साल क्या आपको नागिन में देख पाएंगे, कुछ ऐसा होने वाला है आपकी तरफ से आपके फैंस को? कुछ कह नहीं सकते भाई, कुछ भी हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा नहीं है कि नहीं देख पाएंगे या देख पाएंगे, बट सरप्राइजिंग था आपको नागिन में देखना, आपके किरदार को नागिन में देखना? या मतलब मेरे लिए भी सरप्राइजिंग था, बिकॉज आपको पता ही है कि वो क्या कॉम्बिनेशन बना था, एंड
बट मज़ा आया बहुत. रंजन सर हमारे डायरेक्टर थे, प्लस सिम्बा था, तेजस्वी थी, काफ़ी मज़ा आया शूट करने में भी, और काफ़ी अलग एक्सपीरियंस था. बिग बॉस रीयूनियन हो गया और बहुत ही अलग सी एक चीज़ थी. हम लोग, मैं तो सोच के हंसता था कि यार कमाल है, वहाँ बिग बॉस में ये इक्वेशंस थी, यहाँ पे आके ये इक्वेशंस हैं. सो एक अलग ही चीज़ थी. वो कहते हैं ना कि कुछ भी हो जाता है, कुछ भी हो सकता है. सो दो दिन बाकी है बिग बॉस फिनाले को. अच्छा, क्या बात है. सारे सवाल आने वाले हैं आपको इंटरव्यू के दौरान, बट मैं आपको नाम बता दूं, मुनावर, अंकिता, अरुण, मनारा एंड अभिषेक, ये बड़े नाम है फाइनल के रेस पे. क्या लगता है आपको, कौन है आपके, मुनावर से आपकी काफ़ी दोस्ती है ऐसे कही जाती है, इस पर कितनी सच्चाई है? मुनावर मेरा दोस्त है, ऐसी बात नहीं है. मतलब ये नहीं कहूँगा कि हम रोज़ मिलते हैं, रोज़ बात करते हैं. वो अपनी लाइफ में बिजी है, मैं अपनी लाइफ में बिजी हूँ, बट या हम दोस्त रहे हैं. एंड बाकी अंकिता को भी मैं जानता हूँ, विक्की भाई बहुत क्लोज है मेरे. विक्की भाई तो अब आउट हो गए मैंने सुना है, बट उन्होंने काफ़ी अच्छा खेला ऐसा मैंने सुना है. और अभिषेक भी अच्छा है, काफ़ी तारीफ सुनी है मैंने उसकी. मेरे काफ़ी क्लोज फ्रेंड्स उनको उसको सपोर्ट कर रहे हैं. तो मैं इतना ही बोलूँगा कि भाई सब ने मेहनत करी है और बहुत अच्छा गेम खेला है सबने जो यहाँ तक पहुँचे हैं. जो भी हकदार है वो जीत जाएगा और जो बेहतर होगा वो हार जाएगा. हकदार अगर जीतता तो एक सीजन में कोई जीत जाएगा. इस बारे में तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा भाई. मैं इतना ही बोलूंगा कि देखो ट्रॉफी तो एक मटेरियलिस्टिक चीज है. ट्रॉफी एक ऐसी चीज है कि मटेरियलिस्टिक. हकदार जीतता है तो मैं वही कह रहा था, ट्रॉफी का हकदार ट्रॉफी जीतेगा, प्यार का हकदार प्यार जीत जाएगा. सो वही है कि जिसने जितनी मेहनत करी है ना भाई, उसको उसका फल मिलेगा या तो ट्रॉफी के थ्रू या प्यार के थ्रू. जरूरी नहीं है कि जो ट्रॉफी जीतता है वो प्यार जीतता है और जो ट्रॉफी नहीं जीतता वो प्यार नहीं जीतता. कुछ भी हो सकता है ना. एक आखिरी सवाल मेरा आपसे, अपार्ट फ्रॉम दिस, क्या है नई चीजें, क्या किस तरह से आगे आपके फैंस आपको देख पाएंगे? मैं जैसा हमेशा बोलता हूँ, मैं कुछ सोचता नहीं हूँ जिंदगी में चलने से पहले. आज से 5-6 साल पहले जब मैं दिल्ली में था तो मुझे पता नहीं था कि मैं बॉम्बे कैसे पहुँचूंगा. बस मुझे इतना पता था कि मैं बॉम्बे पहुँच जाऊँगा. कैसे पहुँचूंगा, क्या करूँगा, कुछ सोचा नहीं था. अपने आप होते गया सब कुछ और हो ही जा रहा है. सो मैं बस बिलीव करता हूँ कि जो हो रहा है अच्छा हो रहा है और अपना हर चीज़ में अपना 100% देना है. और बाकी बस अपना इतना जान लगा देनी है हर चीज़ में कि बस सब खुश रहें और मैं खुश रहूँ, कि मैं रात को चैन से सो पाऊँ कि भाई मैंने मेहनत करी है. बस वही है बस दिमाग में, और कुछ नहीं है. थैंक यू सो मच प्रदीप. थैंक यू भाई. ऑल द बेस्ट. हर मंडे आपका वेट रहेगा. बिल्कुल भाई. थैंक यू सो मच. थैंक यू भाई.